सुनाल स्टूडेंट्स पेपाल एक कंपनी है जो बेसिकली uh, तीन लोगों ने स्टार्ट की थी 1998 में इनिशियली उसमें मैक्स uh, लेवचन था पीटर uh, थील था एंड ल्यूक नोजीएक एक्चुअल नाम इस जो कंपनी लॉन्च हुई थी वो कॉन्फिनिटी थी मूविंग फॉरवर्ड 1999 में ईलॉन मस्क जो करंट सी ई ओ है टेस्ला uh, का एंड स्पेस एक्स का उसने कंपनी एक स्टार्ट की थी एक्स टू एक्स डॉट कॉम के नाम से विच एक्चुअली टर्न आउट टू बी यानी उसकी वजह से पेपाल लॉन्च हुआ था इन 1999. नाइन्टी so, सो अगर मैं ये कहूँ जो पेपाल है वो बेसिकली 1999 में एज अ सर्विस लॉन्च हुई थी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एक्स डॉट कॉम सो मूविंग फॉरवर्ड जो आ, जो पेपाल है वो उसको हम लोग आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा सॉफ्टवेयर कहते हैं जो जो पेमेंट को प्रोसेस करता है यानी पेमेंट प्रोसेसर हम इसको बोलते हैं व्हाट डज इट मीन इससे मुराद यह है कि विदाउट बैंक यानी मैंने जानबूझ के यहां पे बैंक का वर्ड नहीं लिखा क्योंकि जो पेपाल है उसके थ्रू हम पैसे सेंड भी कर सकते हैं रिसीव भी कर सकते हैं एंड द गुड थिंग इज के जो पेपाल है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी पैसे ट्रांसफर करने में मदद करता है बिजनेस टू इंडिविजुअल भी पैसे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है तो यानी ये एक बिसाइड बैंक ये एक ऐसा पेमेंट प्रोसेसर है जो आप कह लें कि जो बिटवीन इंडिविजुअल्स या बिटवीन बिजनेस एंड इंडिविजुअल पैसे ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है अब दैट दैट सुनने में ये एज वी स्पीक बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट लग रहा है लेकिन दिस इज वेरी वेरी यू नो लैंडस्केप चेंजिंग यानी बहुत एक मेजर uh, एक कॉन्सेप्ट था कि आप बैंक का आप समझें एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं यूं समझ लें आप ठीक है तो जो uh, जो पैसे हैं यानी uh, जो जो पे पाल के, के जरिए हम ट्रांसफर कर रहे हैं आई I मीन mean, या रिसीव कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं वो किसी बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट हो सकते हैं यानी आसान लफ्जों में के पेपाल एक इंटरमीडियरी है जो जिसके अंदर पैसे आते हैं और फिर वो वो पैसे किसी बैंक अकाउंट से भी लिंक हो सकते हैं नंबर वन नंबर टू पेपाल इज नॉट अ बैंक ये आपको समझना बहुत जरूरी है रीजन बैंक का मेजर काम क्या होता है बैंक का मेजर काम ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराए एक्स अमाउंट मैंने डिपॉजिट कराई बैंक का जो मेजर काम है वो ये है कि मेरे पैसे किसी दूसरे क्लाइंट को उन्होंने लोन दिया लोन के ऊपर लोन के ऊपर उन्हें कुछ सरचार्ज मिला जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं एंड दे कीप ऑन डूइंग इट यानी मैंने अगर अपने पैसे डिपॉजिट कराए हैं बैंक में तो बैंक मेरे पैसे ही आगे किसी फर्दर कस्टमर को लैंड कर रहा है लोन पे दे रहा है ऑन इंटरेस्ट और जो मेरी अमाउंट और जो लैंडिंग अमाउंट का गैप है जिसको हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं वो बैंक का प्रॉफिट है एंड दिस इज हाउ बेसिकली बैंक ऑपरेट पेपाल ये कतन नहीं करता पेपाल पेमेंट को प्रोसेस करता है उस प्रोसेसिंग के पैसे लेता है आपके पैसे यानी मेरे पैसे आसान लफ्जों में अगर पेपाल में पड़े हुए हैं पेपाल वो पैसे किसी और कस्टमर को नहीं देगा और उस पर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा यानी आसान लफ्जों में कि मैंने जो ट्रांजेक्शन की है यानी जो मेरी अमाउंट है अब पेपाल में पड़ी हुई उस पर पेपाल वाले पैसे ले रहे हैं अपनी अपनी पेमेंट प्रोसेसिंग के नॉट बाई गिविंग द लोन सो इट इज नॉट अ बैंक ये आप कि तकरीबन मोर देन टू हंड्रेड कंट्रीज में एज वी स्पीक ये काम कर रहा है उन टू हंड्रेड कंट्रीज में आप ये समझें कि यूएन रजिस्टर्ड वन कंट्रीज हैं यानी आप ये समझें कि इफेक्टिवली ये हर कंट्री में है एक्सेप्ट पाकिस्तान पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है ये हम देखते हैं भी आगे जाके पाकिस्तान में क्यों नहीं है लेकिन जितनी भी कंट्रीज यू यूनाइटेड नेशन रिकोगगनाइज़ करता है उन कंट्री में ये मौजूद है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है अब आप इसका क्वांटम देखें कि टू थर्टी सेवन मिलियन कस्टमर्स हैं यानी आप ये समझें कि तेईस करोड़ से ज़्यादा इसके कस्टमर्स हैं तो एक तो हमने बात की कि आप इससे पैसे जो सेंड कर रहे हैं वो आप किसी बैंक अकाउंट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं और जिसको सेंड कर रहे हैं वो इसको पैसे यानी जिसको आप सेंड कर रहे हैं यानी जिसको जो रिसीवर है वो भी बैंक के थ्रू पैसे विड्रॉ कर सकता है सो इट इज वेरी वेरी ईजी मोड ऑफ पेमेंट इट इज वेरी वेरी स्विफ्ट तो ये एक बहुत ड्रास्टिक कॉन्सेप्ट था जब ये इनिशिएट हुआ था सो एज वी स्पीक इसकी जो मार्केट वैल्यू है दिस इज इन बिलियंस क्योंकि एज यू कैन सी ये 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है और 237 मिलियन इसके कस्टमर्स हैं तो यू कैन इमेजिन कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसके अंदर पे का मेजर चंक है क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो पेमेंट है वो ऑब्वियसली अगर मैं इंटरनेशनल बात करूँ तो हर जगह कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी मौजूद भी नहीं है एंड पीपल प्रिफर टू पे ऑनलाइन क्योंकि ये ऑनलाइन शॉपिंग है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आई डोंट नीड टू गो टू बैंक टू पे समथिंग और टू शॉप तो दिस इज हाउ बेसिकली वॉट इज दिस इज हाउ वी कैन रैप अप द कॉन्सेप्ट ऑफ पेपाल